नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। बिजनौर में आज भाजपा के नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। इस ड्रामे के किरदार हम आपको बताया बाद में बताएंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल बिजनौर में कल जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टरों का चुनाव था। इन डायरेक्टरों के चुनाव के बाद यही डायरेक्टर अपना चेयरमैन चुनते हैं, जिसको जिला सहकारी बैंक चेयरमैन कहा जाता है। राजनीतिक नजरिए से यह जिले का एक महत्वपूर्ण पद होता है और आमतौर पर सत्ताधारी दल का व्यक्ति ही इस पर काबिज होता है। बिजनौर में भी भाजपा के दो गुट अपने अपने कैंडिडेट को इस प्रतिष्ठित सीट पर बैठाना चाहते थे और इसके लिए वो हर तरह का हथकंडा अपना रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, बिजनौर के पुलिस कप्तान उमेश कुमार सिंह ने इन सारे नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस बात से नाराज सूबे के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ESP को फोन पर जमकर धमकाया। बिजनौर में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के चुनाव में BJP में टकराव पैदा हो गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिजनौर जिले के भाजपा नेता दो गुटों में बंटकर आमने सामने आ गए हैं। पहला गुट है जिसमें 3 सांसद, 4 विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। मुरादाबाद सांसद सर्वेश कुमार सिंह, बिजनौर सांसद राजा भारतेंद्र सिंह, नगीना के 7 सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह, बढ़ापुर विधायक सुशांत सिंह, धामपुर विधायक अशोक राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष सकेंद्र चौधरी एक तरफ हैं। पहला गुट BJP के ही धामपुर विधायक अशोक राणा, माता श्रीमती शांति देवी को भी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बनाना चाहता है, जबकि BJP का दूसरा गुट में भी कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इस गुट में सूबे के कद्दावर राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, बिजनौर विधायक सुजय चौधरी, भाजपा के महामंत्री व MLC अशोक कटारिया और भाजपा के जिलाध्यक्ष राजीव सिसोदिया शामिल हैं। ये गुट राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार दिनेश कुमार को कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाना चाहता है। इसी वजह से दोनों पक्षों के नेता और समर्थक मतगणना स्थल की गेट के दोनों तरफ इसलिए खड़े हो गए कि जैसे ही कोई डायरेक्टर जीतकर बाहर आता है उसे जबरन उठाकर ले जाएं। अब एक तरफ सत्तारूढ़ दल के ही दो गुट आमने सामने थे तो दूसरी तरफ जिले के पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार सिंह अपनी फोर्स को लेकर खड़े थे। उमेश कुमार सिंह के कंधों पर इस चुनाव को शांति से संपन्न कराने की जिम्मेदारी थी और इसीलिए जब उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों को मतगणना स्थल पर लगी बैरिकेटिंग के बाहर रोका तो मुरादाबाद सांसद सर्वेश कुमार सिंह SP सिटी दिनेश कुमार से उलझ बैठे और अपना रोब गालिब करते हुए कहा कि मंत्री की मां में भी दम नहीं है जो इस किसी डायरेक्टर को उठा ले जाए। उधर SP उमेश कुमार को लगा कि हालात काबू से बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने सबसे कहते हुए निर्णय लिया कि जो भी डायरेक्टर जीत कर आएगा उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर पुलिस लाइन भेज देंगे ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसके लिए उन्होंने एक वृद्ध वाहन को बुलाकर बैंक के अंदर खड़ा कर दिया। इस पर दोनों गुट भड़क गए। इसी बीच मंत्री भूपेंद्र चौधरी का फोन SP के मोबाइल पर आता है और वो SP को धमकाने लगते हैं, लेकिन SP मंत्री भूपेंद्र सिंह को सबके सामने खरी खरी सुनाते हुए कहते हैं कि यहाँ मीडिया है और कैमरे चल रहे हैं, जो जीत कर आएगा उसकी मर्जी है वो कहाँ जाता है, और अगर आप मुझे पार्टी बनाना चाहते तो मुझे पार्टी बना लें, मैं ऐसी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले से अपने अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताते हैं कि सर यहाँ लोग यहाँ पर कैंडिडेट उठाने की होड़ लगाए हैं, अभी मंत्री भूपेंद्र सिंह का फोन आया और वो मुझे हड़का रहे हैं कि आप पार्टी बन रहे हो। आखिर में पुलिस कप्तान दोनों तरफ से दो दो आदमी को लेकर कुर्सी डालकर बैंक के गेट के सामने बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई कैंडिडेट जीतकर बाहर निकलता सबके सामने उससे पूछा जाता कि वो कहाँ जाना चाहता है। वो जिधर कहता है पुलिस उसको उधर भेज देती, साथ में उसकी सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा गार्ड भी उसके साथ भेजे जाते हैं। इस तरह से पुलिस कप्तान की सूझबूझ से यह चुनाव संपन्न होता है, लेकिन पुलिस को कानून व्यवस्था को संभालने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। SP सिटी दिनेश सिंह लगातार हाथों में माइक लेकर धारा 144 लगी होने के बावजूद हथियार लेकर आए लोगों को नसीहत देते नजर आए और लोगों को शांति की अपील करते रहे। इस पूरे चुनाव के दौरान बिजनौर प्रशासन के अधिकारियों की सांसें अटकी रही। बाद में SP ने मीडिया को बताया कि आज मेरे लिए सब सामान्य नागरिक थे, ना मेरे लिए कोई आज मंत्री था ना कोई विधायक। जब उनको लगा कि यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है तो सब कुछ शांति से निपट गया। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पद के इस चुनाव के लिए कुल 12 डायरेक्टर चुने गए हैं, जिसमें 2 डायरेक्टर शासन से नामित किए गए हैं। आज सभी डायरेक्टर चेयरमैन के चुनाव में वोट डालेंगे। मैंने आज सबको सामान्य रूप से लिया, मेरे लिए आज सामान्य नागरिक थे, ना मेरे लिए कोई मंत्री था ना कोई विधायक था। जनरली मतलब ये स्थिति रही कि आपने उन्हीं के जो निर्णय लिया कि सबको उनकी मर्जी के हिसाब से भेजा जाए, ये किसी उसके ऊपर था कि आप पहले से इस तरह की प्लानिंग थी? नहीं, जो पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि लोग आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं और शायद ये बात बाद में उभर करके आएगी कि उनके साथ उनके कैंडिडेट को जीते कैंडिडेट को दूसरे के हवाले कर दिया गया। तो इसके तहत हमने और प्रशासन ने मिलकर के निर्णय लिया कि सामने निकलने के बाद से सभी के समक्ष, मीडिया के समक्ष और सभी लोग उनके दोनों पक्षों के समक्ष
उस विजय प्रत्याशी से पूछा जाएगा और जहां वो जाना चाहेगा उस जगह उसको भेजा जाएगा। साथ ही साथ उसे सुरक्षा भी दी गई है ताकि यदि कोई उसे आपत्ति हो, किसी से कोई डर भय हो, तो वो उसकी सुरक्षा करेगा। और इसी बीच ये सारा का सारा सब कुछ सफल हुआ और लोगों को जब ये पता लग गया कि किसी की दाल नहीं गलेगी और ना ही कोई इसमें पक्षपात नहीं हो पाएगा, तो सभी शांत रहे और आपने देखा कि बिल्कुल अंत में शांति से सब लोग अपने अपने घरों को चले गए।